सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। अब आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ माय एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग एसर स्पायर 7 फॉर 4.5 मंथ्स, यानी ऑलमोस्ट मेरे को थोड़े 4 महीने हो चुके हैं इस लैपटॉप को यूज़ करते हुए। सो इस वीडियो में मैं कंप्लीट रिव्यू दूंगा कि ये लैपटॉप कैसा है, मुझे कैसा लगा यूज़ करते हुए, क्या चीज़ों की कमी लगी, क्या चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, क्या क्या इम्प्रूव हो सकती थी, किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए आपको, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। आज के टॉपिक में डिस्प्ले परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी, बैटरी बैकअप, स्पीकर्स, हीटिंग, वेबकैम, ट्रैकपैड, कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट, पोर्ट्स, चार्जर, वारंटी, सब कुछ कवर है। कंप्लीट रिव्यू है ये इस लैपटॉप का। सो चलिए शुरू करते हैं। अब यार मैंने गोल रखा हुआ था, आज 15 तारीख है, मेरे को लगा 200 सब्स हो जाएंगे। अभी पहली वीडियो है, आज ही दूसरी वीडियो GTA 5 के ऊपर आएगी। कंप्लीट होना हो जितना हो सके ना उतनी ज़्यादा पास पहुँचा दो बोल के, है ना। मेरे को नहीं पता कितने लोग देखेंगे इस वीडियो को, बट चलो अब शुरू करते हैं डिस्प्ले से। यार डिस्प्ले ना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप ग्राफिक कार्ड या प्रोसेसर हैवी लेते हो, सो 90% वो हैवी प्रोसेसर या फिर ग्राफिक कार्ड आपका यूज़ नहीं हो रहा होता। क्योंकि एग्जांपल के तौर पे अगर आप मूवी देख रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, गूगल पर सर्फिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर, तो 10% से भी कम यूज़ होता है ग्राफिक कार्ड कह लो या फिर प्रोसेसर कह लो, है ना। मैक्सिमम परफॉर्मेंस या तो वीडियो एडिटिंग में आउटपुट के टाइम या फिर गेमिंग के टाइम ही मिलती है। लेकिन जो डिस्प्ले है वो 24/7 यूज़ होता है, या फिर आप MS Excel वगैरह चला रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो, मूवीज देख रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, गूगल पर सर्फिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, डिस्प्ले हमेशा यूज़ होगा आपका। स्पेक्स वगैरह मैं इतने बताऊंगा नहीं, बट वही 1080p की डिस्प्ले, IPS है, 15.6 इंच की है, मैट फिनिश में आती है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका, मैट फिनिश में आती है, शाइनी में नहीं आती। काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है मैट फिनिश में और शाइनी डिस्प्ले में। मैं ऑलवेज मैट ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जो रिफ्लेक्शंस होती है ना मैट बहुत ज़्यादा काट देती है। मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है स्क्रीन गार्ड वगैरह के ऊपर, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो डिस्प्ले में इसके स्क्रीन बिल्डिंग इशू है, बाकियों के लैपटॉप्स में भी है, मेरे लैपटॉप में भी है। अब यार वो कितना बड़ा इशू है, अगर यार बियरेबल है तो ठीक है, क्योंकि जैसे जिस बजट में ये स्पेक्स प्रोवाइड करता है ना, कोई और लैपटॉप है ही नहीं आज की डेट में भी कि इतने अच्छे स्पेक्स इस बजट के अंदर प्रोवाइड करते हैं, यानी 8GB की रैम तो सारे प्रोवाइड करते हैं मानना, 512GB की NVMe SSD भी बहुत जने प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन i5 का 9th जनरेशन और GTX का 1650 DDR6 वाला वेरियंट, ये बहुत रेयर चीज़ें हैं ना इस कॉम्बिनेशन के साथ इतना सस्ता। सस्ता का मतलब 52 या 50 की रेंज में जो सेल वगैरह में मिलता है, वैसे 59 का बिकता है, 59 में आपको और अच्छे ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, 59 से ऊपर, बाकी 59 में भी आई डोंट थिंक सो कोई और ऑप्शन है। सो डिस्प्ले में स्क्रीन बिल्डिंग इशू है, और बहुत लोग कह रहे थे कि इसमें येलो टिंट भी है, मेरे को तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ येलो टिंट जैसा। स्क्रीन बिल्डिंग इशू फॉर श्योर है, तो मतलब ठीक है, डिसेंट है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई एक्सेप्ट स्क्रीन बिल्डिंग इशू। वैसे तो इसके साइडों से कम है, ऊपर नीचे से ज़्यादा है, लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा अनोइंग नहीं लगा। वही 1080p की 60Hz की नॉर्मल डिस्प्ले है, फुल HD IPS डिस्प्ले है, क्लियरिटी मेरे को अच्छी लगी, मैट फिनिश में वो भी बहुत अच्छी लगी, ब्राइटनेस भी इनफ है इनडोर्स के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, शायद और लैपटॉप्स में आपको इसके कंपेयर में ब्राइटनेस ज़्यादा मिल जाए, लेकिन मेरे को आज तक कोई दिक्कत नहीं है ब्राइटनेस की वजह से। कम भी अच्छी खासी हो जाती है और ज़्यादा भी अच्छी खासी हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है खासकर इंडोर्स में, है ना। डिस्प्ले का परफॉर्मेंस, प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड परफॉर्मेंस के नाम पे मैं इसमें इंटेंस गेमिंग भी कर चुका हूँ, इंटेंस वीडियो एडिटिंग भी कर चुका हूँ, मेरे को दोनों में मतलब दिक्कत नहीं है, बस वीडियो एडिटिंग में ये है कि 1:2 या 1:4 करना पड़ता है, फुल में मुश्किल ही होती है Adobe Premiere Pro में, ठीक है। और गेमिंग में आपको GTX 1650 की क्या ही बताऊँ, मतलब GTA 5 वेरी हाई अल्ट्रा सेटिंग्स में चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है ना, 60 FPS या 50 से ऊपर आ जाते हैं अगर आप कोई व्हीकल वगैरह तेज चलाते हो तो। सो यही बात है यार, मतलब इस बजट में ये परफॉर्मेंस में बेस्ट है गेमिंग लैपटॉप के नाम से ब्रांडिंग कर रहे हैं वैसे एसर वाले इसको, ठीक है, परफॉर्मेंस में गुड है, प्रोसेसर भी और ग्राफिक कार्ड भी बढ़िया है। इसमें सिनेमैच R15 का स्कोर शायद 630 कुछ आया था शायद जब मैंने टेस्ट करा था। बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की बॉडी है इसके हिंज, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी और बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करूँ, प्लास्टिक की बॉडी है लेकिन प्रीमियम फील आता है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लेक्स है, ठीक है, बॉडी में फ्लेक्स है, खासकर डिस्प्ले वाली साइड में, डिस्प्ले में फ्लेक्स है, बिल्ड क्वालिटी इसकी मेटल की नहीं है, मेटल इससे लाखों ना ज़्यादा अच्छा होगा मानना, लेकिन इस बजट में इतने अच्छे स्पेक्स मिल रहे हैं ना, तो यार मेटल की बॉडी मिलना मुश्किल था काफ़ी ज़्यादा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से, ड्यूरेबल भी है और प्लास्टिक भी बढ़िया क्वालिटी का, फ्लेक्स है लेकिन संभाल मतलब लोगी, ठीक है, कुश्ती वगैरह तो लड़ती नहीं है, अपना आराम से खोल के यूज़ ही करना है। दिक्कत है इसकी स्टार्टिंग में हिंज में,
जैसे ही लैपटॉप में उठाता हूँ रखता हूँ ना, अपने आप गिर जाती थी इसकी स्क्रीन। हिसाब नहीं आता, फिर बाद में आदत पड़ गई, थोड़ा सा ज्यादा लूज है, शायद इसलिए इन्होंने लूज रखा होगा, क्योंकि अगर हम एक हाथ से उठाने की कोशिश करते हैं डिस्प्ले तो उठ जाती है, जैसे आपको मैकबुक वगैरह में देखने को मिलता है ना, नीचे हाथ लगाने की जरूरत नहीं होती, शायद इस वजह से इन्होंने हिंज रखा होगा लूज। और एक ये भी है, इसकी डिस्प्ले 180 डिग्री तक खुल जाती है। पहले मेरे को लगता था कि इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में ये चीज़ यूज़ आती है, मैंने खुद एक्सपीरियंस कर, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी में। एक कोन कहूँ तो इसका हिंज कह लो, बाकी मटन बॉडी नहीं मिली इसका मैं कोन तो नहीं कहूँगा, क्योंकि बाकी स्पेक्स अच्छे हैं, प्लास्टिक की बॉडी अच्छी है। उसके बाद बैटरी बैकअप, गेमिंग में 1 घंटे से भी कम, नॉर्मल यूज में भी लगा लो 4 घंटे के अराउंड ही मिलते हैं, उससे भी कम कई बार तो। बैटरी बैकअप में बिल्कुल कौन सी, इसका सबसे बड़ा कौन यही है, हिंज होगा, बैटरी बैकअप होगा, स्क्रीन बिल्डिंग इशू होगी ये, और इसकी आगे मैं साउंड क्वालिटी के ऊपर भी आऊँगा। बैटरी बैकअप इसका कुछ खास है नहीं, ठीक है, आपको मतलब अगर पूरा दिन आपको ऑफिस में निकालना तो चार्जर फॉर श्योर कैरी करना ही पड़ेगा। मैकबुक ले रहे हो उसमें 10 घंटे का मिलता है, आज की डेट में शायद जो मैकबुक प्रो आया था M1 चिप के साथ उसमें शायद कह रहे हैं कि 20 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है, लेकिन जो पुराने वाले थे उसमें 10 घंटे का मिलता है, वो आप ले सकते हो कि आपका पूरा दिन ऑफिस में निकल जाते हैं बिना चार्जिंग के। लेकिन इस वाले लैपटॉप के साथ आप कॉलेज में भी हो ना, अगर आपको गेमिंग करनी है तो 1 घंटे से कम भी मिलेगा, अगर आपको कोडिंग वगैरह करनी है तो लगा के चलो 2.5 घंटे या 3 घंटे या 2.5 घंटे का बैकअप लगा के चलो, फिर भी सो चार्जर कैरी आपको करना पड़ेगा। लैपटॉप भी 2.2 kg का हैवी है, चार्जर भी इसका काफ़ी ज़्यादा हैवी है, 135 वाट कुछ कैश है ना। सो बैटरी बैकअप इसका कुछ खास नहीं, अगर बैटरी बैकअप का मेन पॉइंट है तो ये वाला लैपटॉप आपके लिए नहीं है। स्पीकर्स सारे कह रहे थे स्पीकर्स कम है यार, गेमिंग लैपटॉप है यार, अब हेडफोन्स वगैरह तो लगाओगे, और किसी भी लैपटॉप के स्पीकर्स कुछ खास नहीं होते। अगर जैसे मैं नॉर्मल यूज़ करता हूँ तो ठीक है, अगर मैं VLC मीडिया प्लेयर में जो साउंड परसेंटेज होती है 200% तक चली जाती है तो उस पर आवाज़ बढ़ जाती है, गाने वगैरह सुनने होते तो मैं VLC में सुनता हूँ, बाकी 24 घंटे मेरे पास ईयरफोन्स होते ही है, रियलमी का नेकबैंड है मेरे पास, तो स्पीकर्स की मेरे को इतनी दिक्कत तो नहीं आई। 2 स्पीकर इसके राइट में और लेफ्ट में डाउन साइड है, टेबल वगैरह पे रखकर चलाता हूँ तो वो बाउंस बैक करके ज़्यादा अच्छी साउंड आती है, बाकी स्पीकर्स वगैरह की मेरे को इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके कम तो ज़रूर है, ठीक है। हीटिंग, हीट ये लैपटॉप होता है, गेमिंग करता है 93 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है, फैंस भी इसके तेज चलते हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो। बाकी अगर बात करूँ प्रॉपर एयर इंटेक दे देते हो तो 90 से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता, मतलब प्रॉपर एयर इंटेक नहीं दोगे तो 93-94 गेमिंग करने पे कॉमन है, ठीक है। और एक टिप दूँ तो मतलब गर्म तो होता ही है, हमेशा गेमिंग या वीडियो एडिटिंग के आउटपुट के टाइम लैपटॉप चार्जिंग पर लगा के रखो, एक तो बैटरी बैकअप पहले कुछ नहीं है, ऊपर से बैटरी हेल्थ भी ठीक रहती है, और प्रॉपर पोटेंशियल भी तभी आता है प्रोसेसर का भी ग्राफिक कार्ड का भी, अगर आपने अपना लैपटॉप चार्जिंग पर लगा के रखा हुआ है तो। हीटिंग है इस लैपटॉप पे, लेकिन प्रॉब्लम ये गेमिंग लैपटॉप है वो हीट होती है, लेकिन 93 डिग्री कुछ ज़्यादा ही है। सो मैं रिकमेंड करूँगा कूलिंग पैन ले लो बिना फैंस का, बस नीचे से खोक लो प्रॉपर एयर इंटेक मिल जाए, बाकी बस यही सोल्यूशन है कि प्रॉपर एयर इंटेक देकर रखो तो हीट होगा लेकिन इतना हार्म नहीं होगा लैपटॉप को। इसका वेबकैम वही डिसेंट है, मैं एवरेज कहूँगा कि मैंने बाकी लैपटॉप्स के भी देखे हैं, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। फोटोग्राफी तो कर दे सर आप, सिंपल वीडियो कॉलिंग या फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए चाहिए ना, काम बढ़िया चल जाएगा आपका। ट्रैक पैड एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर, ट्रैक पैड बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है, फिंगरप्रिंट भी बढ़िया है। मेरे कज़न ने भी सेम लैपटॉप लिया था, उसको फिंगरप्रिंट में दिक्कत आ रही थी तो मैंने उसको कहा था कि ड्राइवर अपडेट कर लियो, आप भी देख सकते हो। बाकी फिंगरप्रिंट अच्छी तरह रजिस्टर करो, हाथ हूथ धो ला के, और ज़्यादा ही है तो एक फिंगर को 2 बार रजिस्टर कर लो, सो डेट वो ज़्यादा एक्यूरेसी हो जाती है ना। अब बात करो अगले कीबोर्ड और बैकलाइट की, बैकलाइट कीबोर्ड की हम लाइट जो है डिम या तेज नहीं कर सकते, या ऑन होगी या फिर ऑफ ही होगी, वाइट लाइट है रिच लुक आती है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लाइट है ना उसकी इंटेंसिटी हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। और कीबोर्ड की कीज बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया कीज मिल जाती है जब आप प्रेस करते हो, बहुत सही एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है। मेरे को आज तक कोई दिक्कत नहीं आई, कीज वगैरह में फुल साइज कीबोर्ड मिल जाता है, और राइट साइड में नंबर भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो होता है मतलब नॉर्मल है ना। सो कीबोर्ड भी बहुत बढ़िया है, इसका बैकलाइट भी सही है, वाइट कलर की है, हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, डेट्स इट। इसके पोर्ट्स 2 USB 3.1 मिल जाते हैं, 1 2.1 मिल जाता है, 1 RJ45 है, 1 HDMI है, 1 C-Type है, थंडरबोल्ट पोर्ट नहीं है, C-Type है, ये आप ध्यान रखना, थंडरबोल्ट पोर्ट मिलता है महंगे लैपटॉप्स में है ना। और बाकी हेडफोन जैक तो है ही, और एक सर के एक्सिटन लोग है, एक चार्जिंग के लिए दिया हुआ है, ये सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं। कोई दिक्कत आई आज तक पोर्ट्स में? ना, कोई दिक्कत नहीं आई। जितनी भी मैंने पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करके देखी है ना, वो मैक्सिमम अपनी फुल स्पीड में चलती है, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। 3 USB के पोर्ट्स मिल जाते हैं, अगर आप एक में माउस भी लगाते हो तो 2 खाली है, एक से फ़ोन वगैरह कनेक्ट कर लो, एक से हार्ड डिस्क, ऐसे कुछ भी कर सकते हो मतलब आप, है ना। सो या पोर्ट्स ये सब मिल जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं आई। चार्जर इसका वही यार,
लगा लो, चार्जर भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब लैपटॉप और चार्जर शायद से कॉम्बिनेशन 3 kg का बन जाएगा मेरे ख्याल से, जितना मेरे को लगता है। हैवी है, चार्जिंग करते टाइम गर्म भी होता है, उसमें लिखा भी हुआ है। बहुत लोगों चिकोनी डेल्टा चार्जर मिले थे, चिकोनी का, डेल्टा का और लाइटन का, वो सारे ऑफिशियल से 1 साल की वारंटी उन पर भी मिलेगी। मैंने कस्टमर केयर से पहले बात की थी, मेरे को मिला था एसर की वारंटी का चार्जर। सो यहाँ हैवी भी है, 135 वोल्ट कुछ की चार्जिंग करता है। हाँ, इसके जो चार्जर की कोड है वो उसकी लेंथ इनफ है, ना कम ना ज़्यादा, परफेक्ट लगी मेरे को, मेरे को आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। अगर मैं जैसे कहीं जा कहीं और जाकर कहीं भी अगर लैपटॉप चार्ज पर लगाता हूँ या यूज़ करता हूँ घर में, तो चल मेरे को आ जाता है। तो चार्जर की जो कोड है उसकी लेंथ की वजह से मेरे को दिक्कत नहीं आई आज तक। अब आते हैं वारंटी पर। वारंटी इसकी मिलती है 1 साल की ऑन साइट, ठीक है, पर अगर आपको एक्सटेंड करनी है, पहले मेरे को पता नहीं था, अब ये दिखा रहा था कुछ 1200 कुछ या 1000 या 1200 कुछ, 2 साल की एक्सटेंड वारंटी प्लस 1 साल की एक्सीडेंटल वारंटी, जो कि बहुत बढ़िया पैकेज था। आँख बंद करके ले लो अगर आपको 1100-1200 में भी मिल रही है तो। मैंने इस पर भी प्रॉपर वीडियो बनाई हुई, आप जा करके देख सकते हो, है ना। सो ये था वारंटी के ऊपर, ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है। आई डोंट थिंक से कुछ रह गया, अगर कुछ रह गया है तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, बता सकते हो। यहाँ तक देख ले तो लाइक भी करो। अब यार पॉइंट आता है कि ये लैपटॉप किसके लिए है। अगर आपको प्रोडक्टिविटी खेलनी चाहिए, गेम्स नहीं खेलनी है, तो ये वाला लैपटॉप आपके लिए नहीं है, क्योंकि फिर आपको बैटरी बैकअप भी ज़्यादा अच्छा चाहिए और लाइट लैपटॉप भी मिल जाता है। और इसमें 9th Gen का i5 है, आपको अगर प्रोडक्टिविटी वर्क ही चाहिए सिर्फ, तो 10th Gen के i5 भी मिल जाते हैं इस बजट में। सो ये वाला लैपटॉप आपके लिए नहीं है। इसकी डिस्प्ले की एक्यूरेसी, जो कलर एक्यूरेसी थी, वो भी इतनी कुछ खास नहीं है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो। बाकी अगर आपको गेमिंग करनी है और नॉर्मल यूज़ प्लस गेमिंग करनी है तो आँख बंद करके ये वाला लैपटॉप ले लो। अगर आपको नॉर्मल यूज़ के लिए भी चाहिए तो भी मैं ये वाला लैपटॉप रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि हैवी है, बैटरी बैकअप इसका कुछ खास नहीं है, कमी कुछ नहीं है, बस वो गेमिंग लैपटॉप वाली कमी है कि अपना बैटरी बैकअप कुछ खास नहीं है और हैवी भी बहुत है। नॉर्मल यूज़ के लिए आप कोई और लैपटॉप लो जो लाइट भी हो, जिसकी बैटरी बैकअप भी अच्छा हो और डिस्प्ले भी ज़्यादा अच्छी हो। डिस्प्ले में इसमें भी कोई कमी नहीं है, बस स्क्रीन मिलिंग इशू को छोड़कर बाकी और ज़्यादा अच्छी डिस्प्ले भी आपको मिल सकती है अगर आपको गेमिंग नहीं करनी है। और अगर आपको गेमिंग करनी है और पीसी बिल्ड नहीं कर सकते, अगर आप कन्फ्यूज हो गेमिंग करनी हो पीसी या फिर लैपटॉप, ऑलवेज गो विद पीसी, ठीक है। अगर आपको मजबूरी है कि लैपटॉप ही लेना है और गेमिंग भी करनी है, आँख बंद करके ये वाला लैपटॉप ले लो, मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ। जितनी भी कमियाँ थी मैंने बता दी, एक तो हिंजेस का लूज है, कमी नहीं कह सकते, बट मैं फिर भी गिन रहा हूँ। इसकी कुछ साउंड इतनी खास नहीं है, डिस्प्ले में स्क्रीन बिल्डिंग इशू है, हैवी है, बैटरी बैकअप कुछ खास नहीं है, ये सारी कमियाँ हैं इसमें। बिल्ड क्वालिटी भी प्लास्टिक है, इस बजट में 55 वगैरह में आपको मेटल एक बिल्ड क्वालिटी भी मिल जाती है देखने को, है ना। सो या ये थी पूरी वीडियो, कंप्लीट रिव्यू ऑफ एसर फायर 7 आफ्टर यूजिंग 4 months, मोर देन 4 months एक्चुअली, है ना। सो या दैट्स इट, यहाँ तक देख लिया, लाइक करो, अच्छी लगी शेयर करो, ऐसी ही वीडियो देखने तो सब्सक्राइब भी जरूर करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हमेशा याद रखो कि दुनिया उम्मीद पर देखें जुगाड़ पर कैमरे, एंड आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।